हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आरके सक्सेस एकेडमी। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है नेशनल इनकम। तो बेसिकली नेशनल इनकम है क्या, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। टाइप्स में बेसिकली वो टर्म्स आएंगी जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड हैं, उसके वेब के अंदर आती है। ठीक है, तो आज का हम जो लेसन शुरू करते हैं वो बेसिकली किससे करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम नेशनल इनकम को समझ पाएँ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि नेशनल इनकम है क्या। तो नेशनल इनकम को अगर हम फॉर्मूले के वाइज देखें तो वो क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। अब जो ये टर्म है इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं कि नेट क्या है, नेशनल क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, इन सब चीज़ों को जब हम एक साथ कंसीडर करेंगे तब हमको पता चलेगा कि हाँ ये एक्चुअली में ये चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे, हम इन सभी चीज़ों के लिए क्या करेंगे, एक एक करके हम ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे हमारे। वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो नेशनल इनकम के अंदर आज हम करेंगे वो कौन सा है, वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या फिर नेट इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहला वर्ड जो हमारा NNP FC का आ रहा है फॉर्मूले में वो क्या है, नेट। तो उसके लिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है। जो GDP के अंदर हम वर्ड यूज़ करते हैं बेसिकली कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें जो ग्रॉस वर्ड है, और जो हम अब बात कर रहे हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की, उनके बीच में जो ये जी और एन का फ़र्क है, जो ग्रॉस और नेट का फ़र्क है वो किस चीज़ से आता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर हमको इन्वेस्टमेंट क्लियर होगा तो हम समझ सकते हैं इसीलिए कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। तो ग्रॉस जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली क्या है, टोटल एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी विद इन ए पर्टिकुलर पीरियड। अब कैपिटल स्टॉक क्या है, कैपिटल स्टॉक वो चीज़ होती है जो जैसे कि जो फिक्स एसेट्स हैं ऑल ओवर द इकोनॉमी के अंदर, जितने भी फिक्स एसेट्स हैं या फिर जो अनसोल्ड गुड्स बच गए हैं उन सब का सम हम क्या लेके चलते हैं, कैपिटल स्टॉक। तो ये हमारी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट कि एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर हमने कितने यूनिट्स को एडिशनली जोड़ा उसके अंदर, मतलब ये जो इस पीरियड से पहले ये पर्टिकुलर ये स्टॉक था उसके बाद ये स्टॉक हो गया, तो इस दौरान जो ये स्टॉक की एडिशन हुआ वो क्या हो गई हमारी, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, तो वो क्लियर कर लेते हैं हम। तो बेसिक जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो किस चीज का है, डेप्रिसिएशन का। हमने ये तो कंसीडर कर लिया कि हाँ एक पॉइंट पे जो हमारी जो वैल्यू थी किसी भी जो कैपिटल स्टॉक की वो क्या थी, और दूसरे पॉइंट पे क्या है, तो हमने निकाल लिया कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट हुई। बट वो हमारी जो स्वस्थ कैलकुलेशन है वो क्या होगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का बेसिक पर्पस क्या है, अब यहाँ पर मतलब सिंपल वो डेफिनेशन देना कि कितना एडिशन हुआ है। बट डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन ये होता है कि जब हम जितना भी जो ये मशीन्स को यूज़ करते हैं और कुछ करते हैं तो उनसे वियर एंड टीयर से यूज़ करने से उनकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस गिरावट को हम जब माइनस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट से तो हमारे पास क्या बच जाती है, नेट इन्वेस्टमेंट, कि एक्चुअली में कितना एडिशन हुआ। जब हम उस चीज़ को हटा देंगे कि हाँ इतने तो कम ही हो गया हमारा, जो पहले था वैल्यू उतना तो इस पीरियड के दौरान वैल्यू कम हो गई, इतनी और एक्स्ट्रा जुड़ गई, तो ये हमारे पास क्या आ गई, नेट इन्वेस्टमेंट की इन टोटल कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों पीरियड्स के बीच में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूले के बेस में देख सकते हैं, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट, या फिर अगर दूसरे वे से हो किसी भी क्वेश्चन में तो वो ऐसे हो सकता है कि नेट इन्वेस्टमेंट प्लस में डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब जब भी ग्रॉस और नेट की बात होगी तो यहाँ पर किस चीज़ को ट्रिगर करेंगे हम, डेप्रिसिएशन को। तो जहाँ पर भी ग्रॉस और नेट है वहाँ पर जो भी चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा होगा, डेप्रिसिएशन की वजह से। होप क्लियर हो गया होगा ये आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट जो दूसरी चीज़ हम करेंगे वो क्या है, फैक्टर पेमेंट्स और ट्रांसफर पेमेंट्स। इनको करना इसलिए, एक और कॉन्सेप्ट है जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा उसके लिए पहले इनको पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम पहले ये करेंगे फिर जो हमारा सेकंड जो कॉन्सेप्ट है जो नेशनल और डोमेस्टिक वाला है उसको करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, फैक्टर इनकम क्या होती है।
इनकम तो आप सबको बताने की किसी को भी जरूरत नहीं है कि इनकम क्या होती है या पेमेंट क्या होती है, लेकिन जो ये फैक्टर वर्ड है ये किससे रिलेटेड है? आप सबने पढ़ा ही होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम किस चीज को बोलते हैं, वो डिटर्मिनेंट्स जो क्या करते हैं हमारी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं कि इन्हीं की वजह से हमारी प्रोडक्शन होएगी। बेसिकली इसके अंदर क्या क्या आते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इन्हीं चीजों से हमारी क्या होती है, जो भी होती है प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो जब हम किसी अपने जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको, उनकी जो सर्विसेज हैं उनके अगेंस्ट में उनको रेम्यूनरेशन देते हैं, तो वो क्या होती हैं, उनकी फैक्टर पेमेंट्स करते हैं हम। मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्शन कराई तो उसके लिए मैंने लैंड भी लिया, मशीन भी लगाई, ठीक है, और भी वेजेस भी, लेबर को भी लगाया, खुद भी अपना जो प्रॉफिट है वो भी लिया। तो ये सब क्या हो गई कि हमने प्रोडक्शन एक्टिविटी कर ली, उस एक्टिविटी में से हमने अब जो लैंड जिससे लिया था उसको रेंट दे देंगे, जिससे हमने काम करवाया उसको वेजेस दे देंगे, ठीक है, जिसने मशीनरी दी उसको पेमेंट उसकी कर देंगे। इस तरह से हमारे क्या चलता है, ये अलग अलग पॉइंट्स ऑफ फैक्टर्स चलते रहेंगे। ठीक है ना, तो अब हम क्या देखेंगे कि जो पेमेंट हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को करते हैं उन पेमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, जब हम उस चीज को कर रहे हैं तब वो क्या हो गई, फैक्टर पेमेंट। वही चीज जब वो उन रिसीव करते हैं तो वो उनके लिए क्या हो गई, फैक्टर इनकम। ये जैसे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ देखो कि पेमेंट्स विच आर गिवन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रेफर्ड टू एज द फैक्टर पेमेंट्स When considered from the firm point of view, यानी कि जब मैं फर्म की तरह सोच रहा हूँ तब मैं जो पेमेंट्स कर रहा हूँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वो क्या हो गई, फैक्टर पेमेंट्स होगी। वही चीज जब वो रिसीव कर रहे हैं, सेम फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म्स व्हेन रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड्स एज देयर इनकम इट इज नोन एज देयर फैक्टर इनकम। ठीक है, इसके मेन एग्जाम्पल जो हमने करे थे वो क्या हो गई, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। मतलब कि जिसने हमको जो लैंड देगा उसको रेंट दे देंगे, जो अपना फिजिकल कंट्रीब्यूशन करेगा उसको हम क्या दे देंगे, वेजेस दे देंगे, जो अपनी मनी कंट्रीब्यूट कर देगा हम उसको लेंडर की तरह इंटरेस्ट दे देंगे हमारे पास, और जो खुद इन्वॉल्व होगा इस सारी प्रोसेस के अंदर उसको क्या, जो एंटरप्रेन्योर का काम करेगा उसको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी क्या थी हमारे पास, फैक्टर पेमेंट्स। दूसरी कौन सी होती है, ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स कौन सी होती है, जो पेमेंट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को नहीं की जाती वो पेमेंट्स कौन सी होती है, ट्रांसफर पेमेंट्स। ये कैसी होती हैं, ये यूनिलेटरल पेमेंट्स होती हैं, इसके लिए हमने कुछ किया नहीं है बट वो हमको क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। फैक्टर ऑफ पेमेंट में क्या था, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा था तब मेरे को पेमेंट मिल रही थी, यहां पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये टोटली वन साइडेड है। डेफिनेशन देख लीजिए, ट्रांसफर पेमेंट्स आर यूनिलेटरल या वन साइडेड पेमेंट्स which is not related to any kind of work rendered by the factors of production, यानी कि कोई काम नहीं किया गया है उनके द्वारा फिर भी उनको वो पेमेंट रिसीव हो रही है। दूसरे वर्ड्स में इसकी जो डेफिनेशन है उसको कैसे समझ सकते हैं हम, पेमेंट्स गिवन विदाउट एनी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द रिटर्न। मैंने ना तो कोई गुड्स दिया, ना पैसा दिया, ना कोई सर्विस दी, बट मेरे को पेमेंट रिसीव हो रही है, तो वो मेरे लिए क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा और भी अच्छे से, जैसे पेंशन हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, पॉकेट मनी है या रिलीफ पैकेजेस हैं, इन सभी के बदले में कोई भी फैक्टर अपना काम नहीं कर रहा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि मेरे को कोई स्कॉलरशिप दे रही है गवर्नमेंट, तो मैं गवर्नमेंट के लिए काम थोड़ी कर रहा हूँ, वो तो मैं उसको जस्ट एक मोटिवेशन के लिए दे रही है वो चीज़। यही पॉकेट मनी अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को देते हैं तो उसके लिए वो ये थोड़ी है कि वो उस बच्चे से काम करा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वहीं वो कोई अगर घर पे मान लो कोई लेबर काम कर रहा है तो वो उसको क्या देंगे, वेजेस देंगे। दोनों चीजों में फर्क क्लियर हो रहा होगा आपको। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है, जिसके लिए कोई काम करना जरूरी नहीं है या फिर कोई उनके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है, बट जो फैक्टर पेमेंट्स के लिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से एक का होना जरूरी है। अब फैक्टर ट्रांसफर पेमेंट्स और ट्रांसफर इनकम के बीच में फर्क कैसे होगा, जब फर्म उस चीज को दे रही है तो वो उनके लिए क्या है, ट्रांसफर पेमेंट्स है। वहीं जब हाउस होल्ड उस चीज को रिसीव कर रहा है तो वो उनके लिए क्या है, ट्रांसफर इनकम्स। अब आपको ट्रांसफर और फैक्टर के बीच में जो फर्क है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस चीज से। ठीक है, तो इस फर्क को क्लियर करने के बाद हमारे पास मेन जो अब दो पॉइंट्स और बच जाते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है
और हमारे जो नेशन का रेजिडेंट है वो क्या होता है। ये जो चारों कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम एक पॉइंट पर आएंगे, तब आपको ये चारों पॉइंट्स इजीली क्लियर हो जाएंगे कि हमने ये चारों को पढ़ना क्यों जरूरी था। ठीक है, होप इसमें आप तब तक मेंटेन रहिए इसके अंदर। तो सबसे पहला क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी होती है पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। ये वर्ड ध्यान रखिए, पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात करें हम, कि जो चीज जहां पर उस कंट्री का पॉलिटिकल रूल या फिर मतलब जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अप्लाई हो सकते हैं, वहां की पॉलिटिक्स वर्क कर सकती है, वो चीज क्या रहती है, वहां की डोमेस्टिक टेरिटरी, कि वो वहां पर उसका राज है। ठीक है, इसको आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है वो तो हम इजिली देख ही सकते हैं किसी भी चीज की, कि कहां पर है हमारा देश, कहां से है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो हमने बाउंड्रीज अपनी देख रखी है मैप के अंदर, जो हमको दिखता है वो चीज क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, वहां पर वो घरेलू हमारा जो अधिकार है वहां पर। ठीक है, उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, उसको जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है उसके अंदर, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर क्या क्या ऐड करेंगे हम। तो सबसे पहली चीज है ships and aircrafts owned and operated by the normal residents. अब normal residents की definition क्या होती है वो हम अभी दो मिनट बाद ही भी करने वाले हैं। ठीक है, एक बार के लिए इसको ऐसे consider कर लीजिए कि जो भी इंडिया का person है, इंडिया का रहने वाला है, वो अगर कोई ship या aircraft own करता है, वो चाहे अपनी country के अंदर अभी रन नहीं कर रहा, international borders को cross कर चुका है, मान लीजिए मेरा जो इंडिया का एयर इंडिया का कोई plane है, वो plane अमेरिका के लिए flight पे गया हुआ है। अब अमेरिका के अंदर जब वो जा रहा है तो वो उस प्लेन के अंदर जो टेरिटरी है वो इंडियन टेरिटरी ही वर्क करेगी, वो इंडिया के रूल्स में वर्क करेगा। यानी कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी का मेन हम चीज यहाँ पे समझते हैं, वो इसलिए समझते हैं कि उस एरिया के अंदर जो इनकम होएगी वो उस कंट्री से बिलोंग करती है। अब जो एयर इंडिया का प्लेन वहां गया हुआ है, वो जो इनकम जनरेट कर रहा है वो इंडिया की ही इनकम कंसिडर करी जाएगी, ये नहीं कि मतलब वो किसी और देश की इनकम कंसिडर की जाएगी। मान लीजिए इंडिया से वो गया दुबई, दुबई से गया यूएसए, तो जो दुबई से यूएसए के लिए किसी ने फ्लाइट बुक करी एयर इंडिया की, तो वो भी किसकी इनकम में जाएगी, इंडिया की ही इनकम में जाएगी। ठीक है ना, या फिर वो जब वहां पर रन करा तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी ही माना जाएगा। इसको ज्यादा डिटेल में जाता है, बस इतना ही समझ लीजिए कि वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। दूसरी चीज क्या है, जो हमारे जो फिशिंग वेसल्स होते हैं, ONGs होते हैं या फिर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो हमने इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बाहर अपने लगाए होते हैं, जहाँ पर हम ऑयल निकालते हैं, जो इंटरनेशनल सीज में है, वो चीज़ भी क्या होगी, वो पर्टिकुलर जिस कंट्री ने वो चीज़ वहाँ पर लगा रखी है वो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। ठीक है, उसके अलावा क्या चीज़ होती है, एम्बसीज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो हमारी नेशन से बाहर लोकेटेड है। अब जैसे आपको सबको पता ही होगा कि हर देश में दूसरे देश की एम्बेसीज होती हैं, जहाँ पर वो उनके रिलेटेड मैटर्स के लिए कंसर्न कर सकते हैं। हम जैसे इंडिया है, इंडिया की जो एम्बेसी है वो हर फॉरेन कंट्री में होएगी, पाकिस्तान भी होएगी, दुबई में भी होएगी, अमेरिका में भी होएगी, ऐसे हर जगह पे होएगी। अब जो वहाँ पर जो वो पर्टिकुलर एरिया है, जिस एरिया में वो एम्बेसी वर्क कर रही है, उसके अंदर की कोई भी एक्टिविटी होती है वो इंडिया की एक्टिविटी कंसीडर की जाएगी। वहां पर कोई इनकम जनरेट हो रही है, कुछ भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो रही है, या फिर वहां पर जो रूल है वो किसका रहेगा, इंडियन गवर्नमेंट का रहेगा। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो रहा होगा। ये तो वो चीजें थी जो हम अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में ना होते हुए भी उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, हमारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर। ठीक है, ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिनको हम हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होते हुए भी हमको अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसीडर नहीं करना होगा। होगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लोकेटेड है हमारी कंट्री के अंदर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी है, मेन मैन जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, फटाफट फटाफट पॉज करिए वीडियो को और कॉमेंट्स करिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है। कर दिया कॉमेंट, अब आगे करते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री के अंदर लोकेटेड हैं उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे। किसके अंदर से एक्सक्लूड कर देंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो कुछ इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो हर जगह लोकेटेड है।
ठीक है, वो किसी भी कोई भी कंट्री ओन नहीं करती, उनको वो इंटरनेशनली ही वर्क करती हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, एम्बेसीज एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंसुलेट्स ऑफ फॉरेन नेशंस लोकेटेड इन आवर कंट्री। अब जैसे हमारे जो एम्बेसीज दूसरी देशों में लोकेटेड हैं वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती हैं, उसी तरह से जो दूसरे देशों की एम्बेसीज हमारे देश में लोकेटेड हैं वो कहाँ पर आएंगी, वो पर्टिकुलरली उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी। तो हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी से उनको एक्सक्लूड कर देंगे जो दूसरे देश की एम्बेसीज हैं या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कोई हुई हुई है तो, ठीक है। तो ये हमको क्या क्लियर हो गया, अब क्या हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है नॉर्मल रेजिडेंट्स, कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन से होते हैं। अब जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है वो पॉइंट थोड़ा सा अलग है इससे डोमेस्टिक टेरिटरी से। ये बेसिकली ये होता है कि जो सिटीजन होता है और जो नॉर्मल रेजिडेंट होता है उसके अंदर फर्क होता है। तो जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो क्या होता है, ऑर्डिनरी एक ऐसा पर्सन होता है जो उस कंट्री के अंदर रह रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री के अंदर हो। अब ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, तो वो इजीली हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो वहाँ पर अर्न करता हो, स्पेंड करता हो और एक्यूमुलेट करता हो, वहीं कमाया, वहीं पर उसको खर्च कर दिया और वहीं से उसकी जो जीवन यापन है वो चल रहा है, ठीक है ना। मतलब वहीं पे कमा रहा है, वहीं पे खर्च कर रहा है, वहीं पे ही उसका रहना पानी हो रहा है, वहीं से वो और रिसोर्सेज ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री के अंदर है, ये चीज़ उसको शो करती है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ क्लियर होगी। अब कौन कौन से नॉर्मल रेजिडेंट हम कंसिडर करेंगे, सिंपल हमने ले लिया है कि जो पर्सन यहाँ पे रह रहा है उसको ले लेंगे। दूसरी चीज़ क्या आएगी कि मतलब कोई भी ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसी रन कर रही है हमारे देश के अंदर है उसको भी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा और क्या होता है, सिटीजन ऑफ अदर नेशन लिविंग इन आवर कंट्री फॉर ए पीरियड बियॉन्ड वन ईयर हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन आवर कंट्री। अब कोई ऐसा पर्सन है मान लीजिए जो सिटीजन तो है किसी और कंट्री का लेकिन वो रह रहा है हमारी कंट्री के अंदर, कितने टाइम से रह रहा है, 1 साल से ज्यादा। क्लियर हो गया आपको कि वो सिटीजन हमारी कंट्री के अंदर 1 साल से ज्यादा रह रहा है। तो क्या आप लोगों को पता है कि अक्षय कुमार कौन से नेशन के सिटीजन है, नहीं पता तो ये भी सर्च कर लीजिए। तो अक्षय कुमार हमारे इंडिया के सिटीजन नहीं है बट वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट है, क्यों, क्योंकि वो यहाँ के टैक्सेस पे करते हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी इंडिया के अंदर ही है, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट क्या है कि सिटीजन ऑफ आर कंट्री वर्किंग इन एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने सर्च कर ली होगी कौन कौन सी होती हैं, तो उनमें से अगर कोई हमारे जो एम्प्लॉय हमारा जो सिटीजन है अगर वो वर्क कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज एन एम्प्लॉय तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट ही कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के तो बाहर है बट उनके अंदर जो हमारे सिटीजन वर्क कर रहे हैं वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। तीसरी चीज क्या है, जो सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्री लिविंग अब्रॉड फॉर ए पीरियड लेस देन वन ईयर हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन आवर कंट्री। हमारे देश का कोई सिटीजन अगर इंडिया से बाहर रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर ही है, मतलब कि वो पैसा कमा बेशक बाहर रहा है बट वो स्पेंड इंडिया में करता है, इंडिया भेज देता है और वो 1 साल से कम टाइम से बाहर है, तब वो क्या होगा, वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट डिक्लेयर किया जाएगा या कंसीडर किया जाएगा। अब ऐसे कौन से पर्सन होते हैं जो हम सोचते हैं कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट होने चाहिए बट वो नहीं होंगे, तो इसमें आते हैं फॉरनर्स, मतलब कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारी है बट वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। तो जो फॉरनर्स हैं हमारे देश में अलग अलग टाइप के वीज़ाज पे आते हैं, जो वीज़ा लगा के हमारे देश में आता है वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होता। जैसे कि कोई टूरिस्ट है, फॉरेन टूरिस्ट है, वो हमारे देश में सिर्फ ट्रैवल करने के लिए आया है तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट थोड़ी होगा, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारे, मतलब वो स्पेंड बेशक हमारे कंट्री में कर रहा है बट उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बोल सकते इंडिया का, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्री वर्किंग इन आवर कंट्री।
अगर जो डिप्लोमेट्स की जो एम्बेसीज की हमने पहले बात की थी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, वही चीज़ यहाँ पर देखते हैं हम कि उनके अंदर जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, भले वो एक साल से ज़्यादा रह रहे हों, बट वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी वर्किंग कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पर। ऐसे ही जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो पर्सन होते हैं, जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनको भी हम अपनी, भले ही वो हमारे कंट्री के अंदर पोस्टेड हो, मान लीजिए कोई इंडिया के अंदर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, न्यू दिल्ली में वो कोई ऑफिस है, उसमें कोई फॉरेन सिटीजन काम कर रहा है, तो भले वो एक साल से ज़्यादा काम कर रहा है, उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं कर सकते इंडिया का, ठीक है। इसी तरह होते हैं बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स वो होते हैं जो डेली वेजेस के लिए बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, जो काम करने बाहर जाते हैं, सिर्फ एज ए वर्कर की तरह काम करने बाहर जाते हैं, जो जैसे दुबई वगैरह में ही, जो ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, जो सऊदी ईस्ट टाइप की कंट्री हैं, तो वहाँ पर जो हमारे लेबर काफ़ी उनको सस्ती पड़ती है इंडिया की लेबर, तो इंडियन लेबर्स वहाँ पर जाते हैं, काम करते हैं, कई बार 6 महीने काम करते हैं, साल काम करते हैं, और काम करके वापस आ जाते हैं, तो उनको भी नॉर्मल रेजिडेंट वहाँ का कंसिडर नहीं किया जाता, उनको भी नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। होप आपको भी ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कौन कौन से, फैक्टर इनकम कौन सी होती है, ट्रांसफ़र इनकम कौन सी होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी हम किसको कंसिडर करते हैं, और किस पर्सन को नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करेंगे और किसको नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट अब हमको आगे काम आने वाले हैं। हम जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको कर रहे हैं, वो क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो हम स्टार्टिंग में देख रहे थे कि NNP@FC, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो अब सेकेंड वर्ड कौन सा हुआ, नेशनल। तो नेशनल से रिलेटेड जहाँ पर जो दो कॉन्सेप्ट है वो कौन से चलते हैं, डोमेस्टिक इनकम या फिर नेशनल इनकम। अब डोमेस्टिक क्या होती है, नेशनल क्या होती है, इस चीज़ का फर्क समझ लेते हैं, जरा सा फर्क है। तो डोमेस्टिक क्या है, इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। अब इस चीज़ के लिए हमको डोमेस्टिक टेरिटरी का पढ़ना जरूरी था, कि जो भी इनकम हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुई है, उसको तो हम क्या कंसीडर करते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं हमारी डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय, वो आय जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर अर्न की गई है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एक बार पहले डेफिनेशन कर लेते हैं इस चीज की। नेशनल इनकम क्या होती है, सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। दो बातें कर रहे हैं वो, एक तो फैक्टर इनकम होनी चाहिए वो, एक क्या होना चाहिए, एक तो वो फैक्टर इनकम होनी चाहिए, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, वो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा अर्न करनी चाहिए। मतलब हम जिस भी पर्सन को अपना नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर कर रहे हैं, वो पर्सन अगर फैक्टर पेमेंट्स रिसीव करता है, तो वो क्या होती है, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कंसीडर की जाती है। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम समझ लेते हैं, इजीली अब समझ आ जाएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक तो हमने देख लिया, डोमेस्टिक क्या होता है, वो फैक्टर इनकम्स जो हमारे देश के कंट्री के अंदर अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसी इनकम्स और होंगी जो बाहर से आ रही होंगी, कुछ हम बाहर से आ रही होंगी, कुछ हम बाहर दे रहे होंगे, ठीक है। तो उन जब दोनों चीज़ों को आपस में ये दोनों चीज़ें, जैसे कि ये तो इनकम हमारे पास आ रही है और ये हम भेज रहे हैं, अब जब इन दोनों को हम आपस में मैच कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाता है, नेट वर्ड आ जाता है। नेट क्या होता है, जब किसी चीज़ में कोई भी प्लस माइनस कर देते हैं या फिर उसके साथ में जो एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, तो वो नेट कंसीडर होता है। तो अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात करें, तो क्या होगा, जितनी हमने दी या फिर जितनी हमने रिसीव करी माइनस में जितनी हमने दी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि इनकम की बात कर रहे हैं, तो पहले हम कंसीडर करेंगे कि हमको बाहर से कितना आया और कितना हमने दे दिया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा कि टोटल हमारे पास कितना आया कुल मिला के, ठीक है। तो जो हमने देश के अंदर प्रोड्यूस किया वो हो गई डोमेस्टिक इनकम, बाहर से जितना आया वो हो गई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इन दोनों का मिल के क्या बन जाएगा, नेट नेशनल इनकम बन जाएगी इन दोनों को मिल के। मतलब कि हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कितना अर्न किया, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया क्या क्या क्लियर हो गया, सबसे पहले हमने क्या किया था बताइए, नेट नेट और उसके बीच में किसका डिफरेंस किया था, ग्रॉस का,
उसमें क्या है, हमारे लिए जो टर्म का डिफरेंस होता है किसका चलता है, डेप्रिसिएशन का। फिर हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी, फैक्टर्स पढ़े, फैक्टर पेमेंट्स पढ़ी, ट्रांसफर पेमेंट पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ी और नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ा। और हमने अब उसके बाद क्या करा है, हमने डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में फ़र्क कर लिया। अब जो लास्ट चीज़ इसके बीच में बचती है वो क्या होती है, अच्छा एक वर्ड और रह जाता है कि प्रोडक्ट क्या है। अब प्रोडक्ट को बेसिकली हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि जो इनकम होती है, इनकम को ही हम प्रोडक्शन मान सकते हैं। ये हमें आगे हम अपनी एक साइकिल करेंगे उसके अंदर आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन एट दिस पॉइंट आपको ये कंसीडर करने के लिए कि सब चीज़ ठीक रहे, जो इनकम होती है उसी को हम प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, नेट नेशनल इनकम तक हम आ चुके हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट क्या है ये हम और कंसीडर कर लेते हैं। तो हमको जो ये वर्ड है नेशनल इनकम यानी कि NNP HFC उसके कॉम्पोनेंट्स क्लियर हो जाएंगे कि वो बना किस किस वर्ड से है, ठीक है। और इस अगर इस चीज़ को हम क्लियर कर लेते हैं ना तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना वो बहुत सिंपल हो जाएगी। इसीलिए मैंने इसको सेपरेट वीडियो में रखा है ताकि जो हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो मैक्सिमम रहे। हम एक साथ भी कर सकते थे इनको जैसे कि हम बुक्स में नॉर्मली पढ़ते हैं, बट उससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उतनी नहीं रहती, तो हमने ये अलग वीडियो में ही किया है, ठीक है। तो लास्ट चीज़ हमारे पास क्या बच गई इस वीडियो के लिए, वो बच गई फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होती है, फैक्टर्स हम कितनी बार कर चुके, 3 बार कर चुके, अब चौथी बार और कर रहे हैं। तो यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आएंगे या नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो वो कॉस्टिंग जब हम मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट बना, तो उसकी वो कॉस्टिंग जो हमको घर पर पड़ रही है या फिर नॉर्मल भाषा में जैसे बोलते हैं घर पर इतनी लागत आ रही है, वो लागत जो चीज़ होती है जितनी पेमेंट हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो करी है वो हमारी क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट होती है। कि हमारी लागत इतनी है कि हम अगर GDP एट FC या फिर NNP एट अगर हम FC निकाल रहे हैं तो वो क्या होती है, लागत। कि लागत जो मूल्य है हर चीज़ का, उस चीज़ को कंसीडर करते हुए जब हम चल रहे हैं तब हमारी कितनी इनकम हो रही है वो देखते हैं हम। वहीं जब हम GDP कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम मोस्टली किस में रहते हैं, मार्केट प्राइस में रहते हैं, क्योंकि हम जब बेच रहे हैं चीज़ों को उसी चीज़ से हम उस चीज़ को निकाल के आते हैं GDP को, तो तब हम किस पे रहते हैं, मार्केट प्राइस। तब मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है वैल्यू ऑफ गुड्स इन द मार्केट। जिस रेट पर कोई चीज़ मार्केट के अंदर बिक रही है वो क्या होती है, उस चीज़ की वैल्यू होती है। क्लियर हो गया। अब इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है भाई, फ़र्क तो हमको कुछ समझ आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा। फ़र्क क्या होता है बेसिकली, लागत में क्या क्या इंक्लूड हम कर लेते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, अकाउंट्स की बात नहीं कर रहे क्योंकि अकाउंट्स में प्रॉफिट को थोड़ा सा अलग लेके चलते हैं कॉस्ट से। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, प्रॉफिट को भी एक फैक्टर इनकम की तरह कंसीडर किया जाता है। तो जितनी भी हमने वैल्यूज इन सबको दे दी, रेंट दे दिया, वेजेस दे दी, इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, वो तो सब हमने क्या कर दी, फैक्टर पेमेंट्स। मतलब कि हमारी जो प्रोडक्शन हो रही है उनके लिए जो हमने जितनी पेमेंट्स इन सब फैक्टर्स को करी उसको जब हम कंसीडर कर लेते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, फैक्टर कॉस्ट हो जाती है। अब जब हम उसको मार्केट में बेचने जाते हैं तो उस पर कुछ चीज़ और लगती है, उस चीज़ का क्या नाम है, टैक्स, यानी इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो हम सेल्स के दौरान लगते हैं, और डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं बताइए, बताइए, बिल्कुल ठीक, डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो हमारे इनकम के ऊपर लगते हैं। तो जो सेल्स के दौरान लगते हैं, मार्केट के अंदर लगते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अब उसमें भी यहाँ पर इन्होंने क्या वर्ड ले लिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट में क्या चाहिएगा, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगी ही होगी। तो क्या एडजस्टमेंट यहाँ पे रहती है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट लगा रही है उस सेल के ऊपर, प्लस उस बेचने के लिए कुछ सब्सिडीज भी दे देती है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे LPG है, अगर हमारे घर पे जो LPG आता है उस पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ टैक्स लगाती है उस कंपनी के ऊपर, प्लस वो हाउस होल्ड को ऐड करती है कुछ सब्सिडाइज भी कर देती है। तो ये दोनों चीज़ों को जब हम कंसीडर करते हैं तो वो हमारे पास क्या बच जाती है कि फैक्टर कॉस्ट तो कुछ रही होगी उस कंपनी की, उसने अपना प्रॉफिट भी जोड़ा, उसने अपना माल की लागत भी जोड़ी, मशीन्स का भी देखा, तो वो सब कंसीडर करके उनकी कुछ फैक्टर कॉस्ट तो रही होगी। जब हम उसमें अकाउंट्स के टर्म्स को छोड़िए एक बार, जब हम उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड कर गए तो हमारे पास कुछ कॉस्ट बच गई,
उसमें और मार्केट कॉस्ट में क्या फर्क रह गया, बस उसमें और मार्केट कॉस्ट में जो बेसिक फर्क रह गया वो रह गया टैक्सेस का। जब उस पर टैक्स लग गया, कुछ ना कुछ सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी, तो हमारे पास क्या आ गया, मार्केट प्राइस आ गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये बिल्कुल ही अच्छे से, कि हम जब ये चीज़ करते हैं, जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें जो हमारे नेट इनकम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देते हैं, तब हमारे पास क्या बच जाती है, मार्केट प्राइस बच जाती है। इसको एज ए फॉर्मूला देख लें तो क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है कि फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। वहीं अगर हम मार्केट प्राइस से की तरफ से अगर चलें, तो मार्केट प्राइस में से जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट बच जाती है। ठीक है, अभी हम बेसिकली क्या स्टडी कर रहे हैं, मूवमेंट स्टडी कर रहे हैं कि एक चीज से दूसरी चीज पे कैसे जाना है, इनके बीच में डिफरेंस किस चीज का है। मान लीजिए ये एन एन पी एट एफ सी है और ये एन डी पी एट एफ सी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस किस चीज का है बताइए। सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या पे, ये सेकंड वर्ड पे है, ये नेशनल है ये डोमेस्टिक है, तो हमारा फर्क किस चीज का होगा, नेशनल का और डोमेस्टिक का। नेशनल और डोमेस्टिक में किस चीज का फर्क होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ पे सीधा ट्रिगर कर जाएगा। तो हमको ये चीजें अभी इससे क्लियर हो गई, जब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो ठीक है ना। आप जितनी भी जब हम ये टर्म्स को कंसीडर करेंगे तो हमको बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी, हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। अब जैसे दूसरे फॉर्मूला कौन सा था, कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज क्या बच जाता है हमारे पास, नेट इनकम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बच जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको क्लियर हो गई हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, कि डोमेस्टिक का फर्क होगा तो क्या होगा। हमने बेसिकली आज हमने इस वीडियो में क्या क्लियर किया है वो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं, कि हमने ये क्लियर किया है कि जो ये नेट वर्ड है वो कहाँ से आ रहा है, नेशनल वर्ड है वो कहाँ से आ रहा है, प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, और फैक्टर कॉस्ट और जो दूसरी चीज है वो कैसे आ रही है। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट का यहाँ पर कुछ इतना खास यूज नहीं होता, मेन जो चीजें चलती हैं वो किसके अंदर चलती हैं, नेट में, नेशनल में और इस फैक्टर कॉस्ट में। नेट और क्या चलता है, ग्रॉस, नेशनल और क्या चलता है, डोमेस्टिक, और फैक्टर कॉस्ट और क्या चलता है, मार्केट प्राइस। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेगी जो भी टर्म्स बनेगी, जो टाइप्स की हम जिसकी बात करते हैं बेसिकली, नेशनल इनकम में किस किस टाइप की होती है, तो वो क्या होगा, या तो इसकी जगह ग्रॉस मिलेगा या नेट मिलेगा, डोमेस्टिक मिलेगा या नेशनल मिलेगा। ठीक है, ग्रॉस नेट हो गया, नेशनल डोमेस्टिक हो गया, प्रोडक्ट हमेशा लगभग सेम ही रहेगा, इसमें कोई चार्ज चेंज नहीं मिलेगा कहीं पे भी, या फिर फैक्टर कॉस्ट हो सकता है या मार्केट प्राइस हो सकता है। तो ये तो हमारी थी फर्स्ट वीडियो, इसमें हमने क्या सीखा है आज, कि हम कैसे ये जो कंपोनेंट्स है वो कैसे ड्राइव होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें हम सीखेंगे कि जो वेब है वो कैसे वर्क करता है इसका, इसमें हम देखेंगे कि जो मार्केट के अलग अलग सेक्टर्स कैसे काम करते हैं, जो फेजेस कौन कौन से होते हैं, और जो वेब ऐप वो कैसे वर्क करता है, किस में कैसे एक एक टर्म से दूसरे टर्म्स में जाते हैं, और जो उसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो किसका रहेगा, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।